उसकी रक्षा करना इसका दायित्व होता है, क्योंकि विश्व में सदैव ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य देशों पर वर्चस्व चाहते हैं, उनसे रक्षा भी करनी पड़ती है, सतत सजग रहना पड़ता है। हमारे इस स्वतंत्र देश के लिए जिस प्रकार का रास्ता हमने तय किया उस रास्ते पर चलते रहना पड़ता है, उसके लिए संवैधानिक अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो फिर परिस्थिति के उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, परिस्थिति एक सी हमेशा नहीं रहती, कभी अच्छी रहती कभी बिकट रहती है, परंतु देश का सामान्य व्यक्ति भी, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, उस स्वतंत्रता की हमको प्राणपण से रक्षा करनी है। और स्वतंत्र में जो स्व है उसको अधिकाधिक प्रकट करना है, ये बातें मन में रखकर जब चलता है तो उसके कारण जो वातावरण बनता है उसमें स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है, लेकिन भारतवर्ष की परंपरा यह रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। और इसलिए पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया, जब जब जो संकट में था उसको मदद की, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं, जो संकट में है उसकी मदद करना, ये हमारा देश है, ऐसा हमको चलना है। दुनिया भर के दुख पीड़ितों के लिए हम करते हैं, हमारी सरकार भी करती है, तो ऐसी परिस्थिति में अपना देश ठीक रहे और अन्य देशों को ठीक होना है, उनको हमारी मदद हो, और उन देशों में ये जो अस्थिरता की राजकता की गर्मी झेलने वाले लोग हैं उनको कोई कष्ट न हो, उन पर कोई अत्याचार अन्याय न हो, ये देखना ऐसी कितनी ही जिम्मेवारी एक देश के नाते हमारे सर पर है। कुछ मामले तो सरकार को अपने स्तर से ही करने पड़ते हैं, परंतु ये सब करने की शक्ति उनको भी तब मिलती है तब सामान्य समाज इस प्रकार की एक मनोवृत्ति लेकर, सजगता लेकर, देश के लिए सर्वस्व अर्पण की भावना लेकर जीता है। जब गुलामी थी तब स्वतंत्रता लाने के लिए मरना भी पड़ा, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने वाले जवान अपना बलिदान करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता मन में रखकर उनके परिवार देश में है उनको सब प्रकार से सुस्थिर रखना, उनकी चिंता करना, वो सीमा पर जागते रहते हैं क्योंकि हम सुख से सो सके, तो उनके परिवारों की अनदेखी न हो इसकी चिंता करना, स्व क्या है समझकर उसका अधिकाधिक आचरण करना, और देश के लिए चलने वाले सभी प्रयासों में सहयोगी बनना, किसी प्रकार से अनुशासनहीनता अराजकता इसका स्पर्श समाज जीवन को होने नहीं देना, ये जब सामान्य समाज करता है तो दुनिया भर में लोगों को स्थिर करने का, दुख मुक्त करने का सामर्थ्य देश के शासन का भी बन जाता है। आज हम सबको शुभकामना दे रहे, आपस में शुभकामनाएं दे रहे, पूरे देश के लिए अभिन्न चिंतन कर रहे, उसके साथ साथ इन कर्तव्यों का स्मरण करने का भी यह दिवस है।